अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको तहज्जुद की नमाज़ की फ़ज़ीलत बताऊंगी और उसका तरीका भी बताऊंगी। तहज्जुद की नमाज़ के माध्यम से हम अल्लाह पाक से बातें कर सकते हैं, उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताकर और अल्लाह पाक पर भरोसा कर रख कर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ कभी बेकार नहीं जाती है। तहज्जुद नमाज पढ़ने के बाद अब अल्लाह पाक से जब दिल से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। सो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप सभी लोग तहज्जुद का एहतमाम करिए, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए आज मैं आपको तहज्जुद की नमाज़ का तरीका, तहज्जुद की नमाज़ का वक्त, तहज्जुद की नमाज़ में कितनी रकात होती है इसके बारे में बताऊंगा। तहज्जुद की नमाज़ के नमाज़ को रात की नमाज़ भी कहते हैं। तहज्जुद की नमाज़ क्या है अब ये जानते हैं। तहज्जुद की नमाज़ दिन के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाने वाली नमाज है, दिन के नहीं रात के। तहज्जुद की नमाज़ को रात की नमाज़ भी कहा जाता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला इंसान हमेशा खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। तो तहज्जुद की नमाज़ रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है और जो भी इस नमाज़ को अदा करता है उसकी सारी दुआएं कबूल होती हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है। तहज्जुद की नमाज़ एक नफिल नमाज है, ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है, ये एक नफिल नमाज है। यानी इसे पढ़ना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप इसे महीने या हफ्ते में एक दिन ज़रूर पढ़ें और रोज़ भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप खुशहाल रहेंगे। तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज पढ़ने के बाद से शुरू होता है और सुबह 4 बजे ये फजर की नमाज से पहले तक चलता है। ठंडी और गर्मी की वजह से सुबह का टाइम फिक्स नहीं रहता है। तहज्जुद की नमाज 2 रकात से लेकर 12 रकात तक रहती है। अगर टाइम नहीं है तो 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4, 6, 8, 10 और 12 ये नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं 2-2 रकात से। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का वक्त कब है अब ये जानते हैं। तहज्जुद की नमाज़ का वक्त आधी रात से लेकर सुबह सादिक फजर की अजान तक होता है। तहज्जुद की नमाज़ अगर आपको पढ़नी है तो आप इशा की नमाज़ के बाद सो जाएं, उसके बाद आधी रात को उठकर नमाज को पढ़ें, इसका ज़्यादा सवाब है। तहज्जुद की नमाज़ के लिए हमें एक नींद लेना ज़रूरी है। तहज्जुद की नमाज़ की रकातों के बारे में बात करेंगे। तहज्जुद की नमाज़ 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। तहज्जुद की नमाज़ 4 रकात 8 रकात भी पढ़ सकते हैं आप लोग, नहीं हो तो 2 भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप 12 रकात भी पढ़ सकते हैं, 12 रकात भी पढ़ी जाती है तहज्जुद की नमाज़ में। अगर आपके पास कम वक्त है तो आप 4 रकात पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें कि आप 4 रकात या फिर 12 रकात ज़रूर पढ़ें। हम इसकी फजीलत जानते हैं। तहज्जुद की नमाज़ की क्या फजीलत है अब हम ये पढ़ते हैं कुछ फजीलतें तहज्जुद की नमाज़ की। आप सभी लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। इस्लाम को जानने वाले बताते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। अगर कोई इंसान आधी रात को अपनी नींद ख़राब करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस इंसान की हर दुआ को कबूल करेगा इंशाअल्लाह, ऐसा इस्लाम में कहा गया है। एक हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान सोने से पहले तहज्जुद की नमाज़ की नियत करता है और वो तहज्जुद के समय नहीं उठ पाता है और उस इंसान की नमाज़ छूट जाती है तो अल्लाह पाक उस इंसान को तहज्जुद की, अगर किसी की नींद लग जाए और वो नहीं उठ पाए लेकिन उसने तय किया था कि मैं नमाज़ के टाइम उठूँगा और नमाज़ अदा करूँगा लेकिन वो नहीं उठ पाए, तो उसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है कुछ इस तरह कि उसको नमाज का सवाब मिलेगा, जितना उसने तहज्जुद की नमाज का सवाब है उतना इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उसको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिलेगा अगर वो नहीं उठ पाए। अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते वक्त फजर की अजान होने लगे तो आप तहज्जुद की नमाज़ को बीच में तोड़े नहीं, उस नमाज को पूरा पढ़े। एक हदीस की एक रिवायत में है कि
एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर फ़र्ज की नमाज के बाद सबसे अफजल उम्दा नमाज तहज्जुद की नमाज है, सबसे उम्दा नमाज तहज्जुद की नमाज है। लेकिन आप पूरी फ़र्ज नमाज ना अदा करिए उसके बाद ही आप तहज्जुद के बारे में सोचिए। अगर आप पूरी नमाज नहीं अदा करेंगे और तहज्जुद के बारे में सोचेंगे तो शायद दुआ कबूल ना हो, तो इसलिए पहले पूरी नमाज अदा करिए फिर तहज्जुद के बारे में सोचिए। एक और रिवायत में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया की तरफ नाजिल होता है और फरमाते हैं कि कौन है वो जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उस इंसान की दुआ कबूल करूं, मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं, और कौन है जो मुझसे बख्शिश माफ़ी चाहे ताकि मैं उस इंसान को बख्श दूं। आप चाहें तो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं तहज्जुद के टाइम। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपकी जो गलतियाँ हैं उनको माफ़ फरमाएगा। आप सभी लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमत।